सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की एक संवैधानिक पीठ ने 6 अगस्त से अयोध्या मामले की लगातार सुनवाई की। ये पूरा मामला क्या है और कैसे देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया, आइए समझने की कोशिश करते हैं। माना जा रहा है कि 4 से 15 नवंबर के बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। जस्टिस गोगोई 17 नवंबर 2019 को रिटायर हो रहे हैं। अगर वो 17 नवंबर तक अयोध्या मामले पर फैसला नहीं देते हैं तो फिर इस मामले की सुनवाई नए सिरे से एक नई बेंच के सामने होगी। हालांकि ऐसा होने के आसार कम ही हैं कि ज्यादा संभावना है कि इस मामले में 4 से 15 नवंबर के बीच फैसला आ जाए। 17 नवंबर को रविवार है, इसलिए उम्मीद है कि फैसला 4 से 15 नवंबर के बीच ही आ जाएगा। अयोध्या जमीन विवाद है क्या? ये विवाद दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में जमीन से संबंधित है। हिंदुओं की मान्यता है कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी वो श्रीराम का जन्म स्थान है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। इसके बाद जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर किया गया। इस मामले में हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने 30 सितंबर 2010 को 2.77 एकड़ की जमीन पर अपना फैसला सुनाया। इस फैसले के अनुसार जमीन का एक तिहाई हिस्सा रामलला को जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा कर रही है। दूसरा एक तिहाई हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और बाकी एक तिहाई निर्मोही अखाड़ा को दिया जाएगा। फैसले के दिन क्या हो सकता है, जमीन किसकी है और कौन सा हिस्सा किस पक्ष का है, इस बात का फैसला 5 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ करेगी। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखे और ये भी हो सकता है कि वो इस जमीन को अलग अलग बांट दे या किसी एक पक्ष को पूरी जमीन का मालिकाना हक दे। पांचों जज उस दिन अपने फैसले को एक एक करके पढ़ेंगे। मुमकिन है कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इसकी शुरुआत करेंगे। पांचों जज कोर्ट नंबर 1 में आएंगे और अपने फैसले का संबंधित हिस्सा पढ़ेंगे, फिर अपने चैम्बरों में चले जाएंगे और इसके बाद जो होगा वो इतिहास होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं को उस जगह पर मंदिर बनने की उम्मीद थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद को फिर से बनाए जाने की मांग की। 2011 में हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। फैसला देने वाली संवैधानिक बेंच में 5 जज हैं, जिसकी अगुवाई खुद मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई कर रहे हैं। बाकी सदस्य हैं जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर। बाबरी मस्जिद कैसे गिराई गई और आगे क्या हुआ? 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं और इससे जुड़े संगठनों ने विवादित जगह पर एक रैली आयोजित की। इसमें 1.5 लाख कार्य सेवक शामिल हुए थे। देखते देखते 16वीं शताब्दी की मस्जिद गिरा दी गई। हालात को देखते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था और विधानसभा भी भंग कर दी थी। केंद्र सरकार ने 1993 में एक अध्यादेश जारी कर विवादित जमीन को अपने नियंत्रण में ले लिया। नियंत्रण में ली गई जमीन का रकबा 67.7 एकड़ है। बाद में इस घटना की जांच के आदेश दिए गए, जिसमें पाया गया कि इस मामले में 68 लोग जिम्मेदार थे, जिसमें बीजेपी और वीएचपी के कई नेताओं का भी नाम था। मस्जिद गिराने की आपराधिक साजिश का मामला अब भी चल रहा है। बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में कथित भूमिका को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती और कई अन्य नेताओं पर विशेष सीबीआई जज एमके यादव की अदालत में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लखनऊ की सत्र अदालत में सुनवाई चल रही है, जिसे 30 अप्रैल 2020 तक पूरा किया जाना है। राज्य सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बाबरी मस्जिद गिराए जाने के दौरान हुई कार्रवाई में 16 कार्य सेवकों की मौत हुई थी। इसके बाद पूरे देश में हुए सांप्रदायिक दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए थे।